व्हाट इज़ द डेविएशन, ये डेविएशन जो वर्ड है ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि डेविएशन होता क्या है। और मैं बात कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट के में जो डेविएशन वर्ड है ये क्या होता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं व्हाट इज़ द डेविएशन। डेविएशन की अगर मैं एक डेफिन व्हाट इज़ द डेविएशन डेविएशन की मैं एक अगर डेफिनेशन बोलूँ तो एनी अनवांटेड इवेंट दैट रिप्रेजेंट और डिस्पैचर फ्रॉम अप्रूवल प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशन और स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड। डेविएशन कैन अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। अब है कि एक ऐसा इवेंट जो क्या है अनवांटेड इवेंट है इसके लिए रिप्रेजेंट और डिस्पैचर अप्रूवल प्रोसीजर जो अप्रूवल प्रोसीजर रहता है पहले से अगर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं प्रॉपर हो पा रहा है तो उसमें जो अगर कोई चीज़ें चेंजेस दिखता है तो वहाँ पे उसे डेविएशन कहते हैं। यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें कोई डाइल्यूशन करनी है वो 1 ml से लेके 10 ml करना है, बट वहाँ पे 1 ml लेके हमने 20 ml किया, इसका मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था उसको हमने डेविएट कर दिया। तो अगर उसे डेविएट कर दिया तो इसका मतलब वो डेविएशन हो गया। वो स्टैंडर्ड से लेके हो सकता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, या तो टेस्टिंग में हो सकता है ये चीज़ें, या मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, पैकेजिंग में हो सकता है, सैम्पलिंग में हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग। जैसे मैंने बताया है कि अगर आप ये चीज़ें दिखती है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो, सैम्पलिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे पैकेजिंग में हो, अगर इन इन चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना अगर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे रखा है उस प्रोसीजर से अलग ये डेविएट होता है तो उसे डेविएशन कहा जाता है। अगर हम एक इसका एग्जाम्पल की बात करें जैसे टेम्परेचर एंड RH अगर ये एक लिमिट से बाहर चले जाता है तो वहाँ पे एक डेविएशन हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया की बात करें या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि ये लिमिट जो है मैन्युफैक्चरिंग ये क्या है एक लिमिट बाहर चली जाएगी तो ये एक डेविएशन हो जाएगा। अगर टाइपोग्राफी एरर है कहीं पर और ये हमारे जो अप्रूवल डॉक्यूमेंट में है और अगर उसमें ये टाइपोग्राफी एरर हो गया है अगर, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें डेविएशन हो सकता है क्योंकि हमारे पास सब कुछ कोई मास्टर कॉपी है और मास्टर कॉपी से हमने कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें अगर टाइपोग्राफी एरर दिखता है तो यहाँ पर हम उसे डेविएशन में भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नॉट फॉलो, अगर मैंने ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारे वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे वहाँ डिविशन हो गया है। अगर उसमें जो प्रोसीजर लिखा है और सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो ये भी डिविशन में आता है। अगर कोई भी इक्विपमेंट है वो ब्रेक डाउन हो चुका है उसको प्रॉपर उसको क्या है कि एक टाइम पे उसकी मेंटेनेंस होना जरूरी है लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं हो पाया तो ये सब चीज़ें डिविशन में आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन है रिजल्ट आउट ऑफ अगर लिमिट में चले जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक डेविएशन में ही आता है। उसके बाद डेविएशन जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं माइनर, मेजर और क्रिटिकल। तो ये सब उनके क्राइटेरिया के हिसाब से रहता है कि जो हमारा डेविएशन है वो किस लेवल का है, कहाँ पे वो रिक्स है या नहीं है, ये सब चीज़ें फिर वो डिसाइड किया जाता है कि हमें किस लेवल तक हो, या मेजर रखना है, माइनर रखना है, या फिर क्रिटिकल रखना है। तो ये चीज़ें होती हैं डेविएशन। तो इंटरव्यू में ये पीछे पूछे जाता है कि व्हाट इज द डेविएशन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि डेविएशन क्या होता है। और ऐसे भी कोई नई वीडियो लाऊंगा आगे आपके लिए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।